हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूध से छेना बनाना बताऊंगी। तो मैंने यहाँ पर 2 लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया है। अब जब तक ये उबाल नहीं आ जाए तब तक इसको हम गर्म करते रहेंगे। तब तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मेरे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए, अभी दूध गर्म हो रहा है, तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो ये दूध गर्म हो चुका है, तो हम इसकी फ्लेम बंद कर देंगे। बस इसे उबाल आने तक ही दूध को गर्म करना है, उसके बाद फ्लेम बंद करके अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर डालने के बाद इसे हम अच्छे से चला लेंगे, जिससे विनेगर मिल जाए इसमें और दूध फटने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाए। ये देखिए, दूध फट चुका है और ये बहुत अच्छे से फटा है, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह पनीर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी बनेगा, आप लोग ये ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये छेना फट के रेडी हो चुका है। देखिए, अब इसे हम एक कपड़े में छान लेंगे। तो मैंने एक छन्नी पे सूती कपड़ा लगाया, उस पर मैं सारा छेना छान लूँगी। और इसमें मैं ठंडा पानी ऐड करूँगी। मैं ठंडा पानी ऐड करती हूँ, जिससे ये थोड़ी ठंडी हो जाए। और ये कभी कभी पनीर चिमट हो जाती है, मतलब थोड़ी कड़ी कड़ी टाइप की हो जाती है, तो ये वैसी नहीं होगी। तो इसे हम आप एक प्लेट को उल्टा के उसके ऊपर इसे रख देंगे। इसके ऊपर कुछ वजन वाला सामान रख देंगे, ज़्यादा देर के लिए नहीं, बस 5 मिनट के लिए, जिससे इसका जितना पानी है सब बाहर आ जाए। तो मैंने ये टिफ़िन में पानी जो छाना है, यही टिफ़िन मैं ऊपर रख दी हूँ। 5 मिनट बाद देखते हैं पनीर कैसी बनी है। ये देखिए, 5 मिनट हो गए, तो मैं टिफ़िन हटा दे रही हूँ। देखिए, पनीर एकदम परफेक्ट बनी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो देखिए, पनीर कितनी अच्छी बनी है। इसे मैं कट करके भी आपको दिखा देती हूँ, जिससे आपको भी यकीन हो जाए कि मैंने पनीर कितनी सॉफ्ट बनाई है। ये देखिए, मैंने कट लगाया, इजली ही कट हो गया। एक हाथ से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो मैं एक ही हाथ से काटी हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट पनीर है, आप लोग भी इसे बना के ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट पनीर बनती है, ये तरीका आप ज़रूर ट्राई करें।